मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला पता चला के गलत लेके मैं पता निकला हाँ तो भाई लोग कैसे हैं आप सभी। तो आ गया हूँ एक और न्यू स्टेटस वीडियो के साथ। तो भाई लोग प्रीव्यू में जिस वीडियो को देख रहे हैं इस टाइप का वीडियो आप भी कम स्टेप में बना सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजबल होने वाली है, तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो भाई लोग चलिए देर न करते हुए आज के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हाँ तो भाई लोग आपको अपना काइन मास्टर ऐप ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद क्रिएट न्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको 9:16 वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, सेकंड वाले ऑप्शन को। एंड नीचे आप देख पा रहे क्रिएट का ऑप्शन है, आपको क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अभी आपको इमेज असिस्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको व्हाइट कलर के एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। एंड ऐड करने के बाद इसका जो ड्यूरेशन रहेगा यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, इसको आपको 12 सेकंड तक ही करना है। जितना मैं कर रहा हूँ आपको उतना ही करना है, सिर्फ 12 सेकंड तक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ ऊपर से बैक आ जाना है। एंड उसके बाद यहाँ पे देखेंगे साइड में तो सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नीचे एडिटिंग का ऑप्शन, आपको इस पे क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा है फिल स्क्रीन, आपको सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद आप ऊपर देख पा रहे हैं टाइमलाइन, आपको यहाँ पे 5 नंबर पे आना है। एंड यहाँ से आपको 2 लाइन पे आगे आ जाना है, इतने पे आपको एडजस्ट कर लेना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ से आपको बैक आ जाना है। एंड बैक आने के बाद आपको मीडिया वाले ऑप्शन पे चले जाना है। उसके बाद आपको चले जाना है अपनी गैलरी में। एंड आपको गैलरी में जाने के बाद वहाँ से आपको यहाँ पर 3-4 फोटो को ऐड कर लेना है। आप अपने हिसाब से किसी भी तरह की 3-4 फोटो को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कर लिया हूँ, कुछ इस प्रकार से आपको कर लेना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद अभी आप देखेंगे तो सारी इमेज जो है फुल स्क्रीन में आ चुकी हैं। इतना करने के बाद आपको वीडियो के शुरू में आ जाना है। उसके बाद आपको लेयर पे जाना है एंड मीडिया वाले ऑप्शन पे चले जाना है। एंड उसके बाद आपको चले जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मैंने वहाँ पर एक वीडियो का लिंक दे रखा है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर उस वीडियो को ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे उस वीडियो को ऐड कर लेता हूँ। हाँ तो भाई लोग वीडियो ऐड करने के बाद यहाँ साइड से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है, वीडियो फुल स्क्रीन में हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ से एक बारी बैक आना है। एंड बैक आने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे जहाँ पर हमारा ये फर्स्ट वाला इमेज जो था 12 सेकंड पे, आपको यहाँ पे आ जाना है। एंड यहाँ साइड सबसे ऊपर आना है, ऊपर आने के बाद कैंची वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ से आपको स्प्लिट कर देना है, 3 नंबर वाले को सिलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद यहाँ से बैक आना है। अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एनिमेशन हो रहा है। तो आपको क्या करना है, साइड से आ जाना है नीचे। एंड नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा ब्लेंडिंग का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से नीचे आ जाएंगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्क्रीन का ऑप्शन, आपको इसे स्क्रीन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो काफ़ी जो है यहाँ पर स्क्रीन से सही से एडजस्ट हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है इमेज के लास्ट में। एंड यहाँ से आपको ऊपर से बैक आना है। एंड साइड से सबसे ऊपर आना है, कैंची वाले ऑप्शन पर चले जाना है। एंड यहाँ से आपको बाकी पार्ट को ट्रिम राइट कर देना है, नहीं तो आपको यहाँ पर एक इमेज को और ऐड कर लेना है। एंड यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अभी आपको वीडियो के शुरू में आ जाना है। शुरू में आने के बाद आपको लेयर पे जाना है एंड मीडिया वाले ऑप्शन पे चले जाना है। उसके बाद आपको चले जाना है फिर से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मैंने वहाँ पर एक लाइटिंग वीडियो का लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर उसे ऐड कर लीजिएगा कुछ इस टाइप से। ऐड करने के बाद अभी साइड से नीचे आ जाना है तो यहाँ पे आपको स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ से आपको सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ से आ जाना है बैक। बैक आने के बाद अभी और नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ब्लेंडिंग का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ से नीचे आएंगे तो आपको स्क्रीन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट
कर लेना है एंड यहाँ से बैक आ जाना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो वीडियो है यहाँ पर बिल्कुल भी बन करके रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ इस टाइप से आपका वीडियो बन करके रेडी हो चुका है। तो अभी इस वीडियो को गैलरी में सेव करने के लिए कोने में स्पॉट का ऑप्शन देख रहे हैं आप पे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद HD को यहाँ पे आपको फुल कर लेना है। यहाँ पे इसको 30 रहने देना है। इस लाइन का पूरा हाई कर देना है। सेव एज वीडियो पे क्लिक कर देंगे, वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो भाई लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।